हेलो फ्रेंड, जावे टीचर में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का पीपीएस पेपर देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के लिए बीआईएस चिन्ह बनाए, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है चलित कुंडली यंत्र, दूसरा दिया है दृष्टिकारी के साथ चलित कुंडली यंत्र, नेक्स्ट दिया है डायरेक्ट विद्युत धारा, और अगला दिया है त्रिफेज प्रवृत्ति विद्युत धारा, अगला दिया है दो पथ कुंडली, और अगला दिया है सीरीज वाइंडिंग, नेक्स्ट दिया है स्लिपिंग पर ब्रश, और अगला दिया है जनरेटर, फिर नेक्स्ट दिया है मोटर और ब्रश या कम्यूटेटर। इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे। और आगे कुछ क्वेश्चन दिया है कि खोखले बेलन का मुख्य आरेख बनाइए, और तीसरा दिया है षष्ठकोण प्रिज्म का मुख्य आरेख बनाइए, और अगला दिया है स्टेयर के वायरिंग के लिए नियोजित आरेख बनाइए, और लास्ट दिया है 220 वोल्ट 3 HP लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर के लिए प्रयुक्त 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ स्वच्छ आरेख बनाइए, ठीक है। तो ये सब इतना क्वेश्चन दिया है, इसका हम हल देखेंगे कि हल क्या क्या है इसका होगा। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर सिंबल दिया था बी एस चिन्ह, यहाँ पर सिंबल दिया है बी एस चिन्ह का। तो पहला दिया था चलित कुंडली यंत्र, तो उसका कुछ इस प्रकार आपका सिंबल होगा, और दूसरा दिया था दृष्टिकारी के साथ चलित कुंडली यंत्र, तो उसका कुछ इस प्रकार होगा, और आगे दिया था डायरेक्ट विद्युत धारा मतलब DC का सिंबल इस प्रकार होगा, और थ्री फेज पर्वती विद्युत धारा, तो यहाँ पर थ्री फेज का सिंबल लगेंगे और यहाँ पर वेव लगा देंगे, तो ये आपका थ्री फेज का हो जाएगा। अब अगले देखेंगे, अगला क्या था, यहाँ पर था टू ए स्विच का सिंबल, टू ए स्विच का सिंबल बना लेंगे, और सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग कुछ इस प्रकार सिंबल होगा, और स्लिपिंग पर ब्रश, ये स्लिपिंग हो गया, और इस यहाँ पर ब्रश लगा देंगे, और जनरेटर का सिंबल इस प्रकार होगा, और DC जनरेटर की बात करें तो ये ऐसे सीधा रहता है, वही AC जनरेटर की बात करें तो वो प्रवर्ती धारा की तरह रहता है, और यहाँ पे मोटर है तो मोटर का भी हम सिंबल बना लेंगे, और यहाँ ब्रश या कम्यूटेटर, तो ये आपका ब्रश हो जाएगा, ये आपका कम्यूटेटर हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार इसका सिंबल बना लेंगे, ठीक है। अगला जाता है कि खोखले बेलन का मुख हस्त बनाना, तो यहाँ पर देखिए ये खोखले बेलन है, तो बेलन का कुछ इस प्रकार हम आपको आरेख खींच लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाता है कि षष्ठकोण प्रिज का मुख हस्त आरेख निम्नलिखित है, तो यहाँ पर देखिए षष्ठकोण प्रिज का मुख हस्त आरेख कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया स्टेयर केस वायरिंग, तो इसका भी हम बना लेंगे, तो स्टेयर केस वायरिंग कुछ आपका फिगर इस प्रकार होगा, तो यहाँ स्टेयर केस में दो स्विच लगती है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये अधिकांश हम सीढ़ियों पे इसका यूज करते हैं, सीढ़ियों की वायरिंग में। फिर अगला दिया था पांचवा, स्टेयर केस का कुछ इस प्रकार से हम इसका फिगर बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट दिया था क्वेश्चन 4.220 वोल्ट 3 HP DC कंपाउंड मोटर का स्टार्टर के साथ वायरिंग आरेख, तो इसका हम इस प्रकार से आपका आरेख खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगले एग्जाम के लिए, तो इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।